बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान में तो इमरान खान का मामला चल रहा है जी, गिरफ्तारी है, नहीं है, अवाम सामने है, पुलिस है। इंटरनेशनल सतह पर रूस और अमेरिका दोनों जंग के दहाने पहुंच चुके हैं और सूरत हाल ये है कि ये असल में लड़ाई जंग में बदल सकती है। वो यूँ है कि अमेरिका का $32 मिलियन का MQ-9 रिपर ड्रोन, याद रखिएगा जो अमेरिकी ड्रोन्स खुद उड़ा रहे होते हैं, उनकी एयरफोर्स के होते हैं, वो वर्जन डिफरेंट होता है। जो वो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें लो क्वालिटीज़ होती हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर इंडिया को किसी और को दे दिया या उन्होंने किसी और मुल्क को दे दिया। इनकी एयरफोर्स का जो ड्रोन है वो ब्लैक सी में उड़ा था। अब रशिया का SU-27 वहाँ पर आया और उन्होंने काम ये किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स के जरिए, असल में इन्होंने ड्रोन गिरा दिया। नीचे रशिया की फोर्सेस उनके पहले ही मामला, मशीनरी और सारा कुछ मौजूद था। ड्रोन को उन्होंने इस अंदाज में गिराया कि नीचे पूरी तरह ड्रोन गिरा, उसका कोई लॉस भी नहीं हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के जरिए इन्होंने काम ये किया कि पहले उसका हाईजैक कर लिया, उसका पूरा कंट्रोल टावर से रबता मुनकता किया, उसको कंट्रोल किया और उसको समंदर में जाकर नीचे घर कर दिया। उसकी जो टेल होती है पिछली, उसको इस तरह लेकर गए कि वो नीचे जाकर गिरा और पूरी तरह इसको सही सलामत उठाकर रशियन फोर्सेस ले गए और अब वो उस पर वर्किंग करेंगे। अब वो चाइना के साथ उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, क्योंकि दुनिया को जो MQ-9 रिपर ड्रोन से उसकी कॉपी मिलती है। अब अगली सूरत हाल जरा समझिए, अमेरिका का तोड़फोड़ हिल गया। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि इन्होंने जो ड्रोन गिराया है वो SU-27 है और असल में वो जो ड्रोन इन्होंने गिराया, उन्होंने कहा ये टक्कर हुई है इसकी आकर, और इसने पहले ईंधन दो दफा फेंका और उसके बाद इन्होंने हमसे टक्कर की और या इन्होंने गिरा दिया। और गिराकर उन्होंने कहा जी अभी तक हमें रशिया ने नहीं बताया कि उसका मलबा क्या है और कहां पर है। अब रशिया की चालाकी देखिए, उन्होंने कहा जी बात यह हुई है, हाँ बिल्कुल हम साथ थे उसके, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन SU-27 बिल्कुल MQ-9 रिपर ड्रोन्स के करीब था। अब हुआ यूं है कि जब करीब से गुजरा तो उस वक्त अचानक से इस ड्रोन ने टर्न लिया, मैनूवर किया, मैनूवर करने के बाद उसका अल्टीट्यूड कंट्रोल से बाहर हो गया, उसने खो दिया और वो यानी इम्बैलेंस हो गया और सीधा उसकी टेल जाकर नीचे समंदर में गिरी और वहाँ पर कहीं उसका मलबा है या फलाना है या हमने रिकवर कर लिया। बाद में कुछ खबरें हैं कि उन्होंने कर लिया कुछ में नहीं, और ये सूरत हाल है। उसमें उन्होंने कहा हम वार्निंग देते हैं, अगर अमेरिका ने इसके बाद कोई इकदाम करने की कोशिश की तो ये जंग तसव्वुर होगा। अब हुआ यूँ है कि उसके बाद पूरे अमेरिका में खलबली मची है। वो कह रहे हैं अमेरिकी अब वो लेवल नहीं रहा इनका, ये सुपर पावर नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि जाओ जंग करो। अब ये कह रहे हैं कि असल में अमेरिकी ड्रोन्स कर क्या रहे थे ब्लैक सी के अंदर, आप जरा बताएं ना। वो कहते हैं हम इंटरनेशनल वाटर्स में थे। उन्होंने कहा आपका काम क्या, आप तो कहते हैं हम यूक्रेन की जंग में थे ही नहीं, तो आपने तो हरकत की। पहले तो अमेरिका एडमिट करता रहा हम नहीं है, मैंने कोई ड्रोन नहीं उड़ाया, मैंने फलाना नहीं। अब जब गिर गया तो कहते हैं जी रशिया ने गिराया। अब असल में दोनों बड़े ममालिक आमने सामने आ चुके हैं, स्टेटमेंट दोनों की जानिब से तगड़ी जारी है। अमेरिका का मसला ये है कि वहाँ पर आ गया है मालियाती बहरान, यानी रिसेशन वहाँ पर शुरू होने वाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर आ रहा है, बैंक्स उनके कोलैप्स हो रहे हैं, वहाँ पर बैंककरप्सी हो रही है, बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर बैंककरप्ट हो रही हैं। अब वो कोई जंग अफोर्ड करने के मूड में नहीं है, यानी वो रशिया से, देखिए होता क्या है, आपने कभी गौर किया, कभी भी बड़ी ताकतें आपस में जंग नहीं की अभी तक। रशिया ने कभी डायरेक्टली अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं की, जब भी किया अमेरिका ने रशिया को तोड़ा सोवियत यूनियन के जरिए, हमें डॉलर्स दिए, हमने बोरियां भर भर के डॉलर्स लिए, हमारे जो जर्नैल थे उस वक्त उन्होंने माल बनाया, लोगों ने माल बनाया, जिहाद के नाम के ऊपर ये सारा काम हुआ और आप सब जानते हैं। अब उसके बाद उन्होंने तोड़ दिया, असल में तो अफगान और पाकिस्तान ने मिलकर तोड़ा था, लेकिन उसके बाद डॉलर्स भी अच्छे खासे बनाए गए। लेकिन उसके बाद जो कहानी है वो ये है कि बड़ी ताकतें सामने नहीं है, यानी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है उसमें अमेरिका अभी तक शामिल नहीं हुआ और वो होने वाला था। उसने कहा जी मेरे मिसाइल तो तैयार हैं, वो मारेंगे जर्मनी को, फ्रांस को, इटली को और अमेरिका को और हाइपरसोनिक और फलाने फलाने, और चाइना भी कूद पड़ा और इमरान खान के चक्कर में हुकूमत भी चली गई। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि वो लड़ाई पीक पर आने वाली है, अब वहाँ पर जंग के असरात, और वो कह रहे हैं वहाँ पर तजिया कार सारे तौर पर ये कह रहे हैं, एनालिस्ट जितने भी हैं वो कह रहे हैं ये जंग का मामला होने वाला है, क्योंकि अमेरिका पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है,
वो अपनी ताकत खो रहा है, अरब ममालिक को उसने खो दिया है, पाकिस्तान में इवन कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में वो बाजवा के साथ मिलकर कामयाब तो हो गया, लेकिन आप देखें ना तो नफरत कितनी है अमेरिका की, वो पावर नहीं है। इमरान खान कर्ज मकरूज शख्स, आप अंदाजा कीजिए, आईएमएफ से मांगने वाला एक बंदा उठकर अमेरिका को कहता है कि हम गुलाम हैं, तुम जो कहोगे वो हम कर लें, तो आप अंदाजा कीजिए वो अमेरिका के पूरे निजाम को एक बंदा चैलेंज कर रहा है। अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे होते तो आप सोचिए, हम तो उसको गले से पकड़ लेते। यानी आप ये सोच लें कि अभी हमारे हालात इतने खराब है और इमरान खान की धमकी और पूरी कौम खड़ी हो गई है, और अगर हमारे हालात अच्छे होते तो हम छोड़ते ना। मोहम्मद बिन सलमान उनके खिलाफ है, यूएई ऑलरेडी उनसे अलग हो चुका है, चाइना ने सुलह करवा दिया इन दोनों की, यानी ईरान और सऊदी अरब की, तो अब उनकी ग्रिप हो रही है कमजोर। अब असल में इस सूरत हाल में आप ये देखिए कि वो लेबॉर्टरी में जाएगा ड्रोन और उसके ऊपर वो टेस्ट करेंगे। उन्होंने असल में क्लियरली धमकी दे दी अमरीका को कि भाई हम जंग करने के लिए तैयार है, तुमने क्या किया, तुमने सारी पाबंदियां हम पर लगा दी, सारा कुछ करके देख लिया, हमें कुछ नहीं हुआ, दुबई के अंदर हमारे इन्वेस्टर चले गए, हमारे इन्वेस्टर यूरोप में भी चले गए, जो कुछ तुम कर सकते थे तुमने किया, पेमेंट सिस्टम से लेकर मैकडोनल्ड कोको कोला सब कुछ बंद कर दिया, हमें कुछ नहीं हुआ, हम मजीद तरक्की करके अब आओ तुम लाइन के ऊपर, तुम बताओ तुम लड़ाई करने के लिए तैयार हो। अब उसका ड्रोन आया, उसने उड़ा दिया। होना तो ये चाहिए कि अमेरिका की तो ताकत इतनी है कि मैं आ रहा हूं लड़ने के लिए। अमेरिका कभी डायरेक्टली जंग नहीं करता, अमेरिका करेगा अफगानिस्तान के थ्रू, यानी उधर से कूदेगा, अमेरिका जाएगा वियतनाम के थ्रू, यानी उधर से कूदेगा, फिर अमेरिका जाएगा यूक्रेन के थ्रू, डायरेक्टली वो जाकर चाइना से नहीं करने जा रहे। अब उसने अगर चाइना से जंग भी करनी है तो किसको उकसा रहा है, वो साउथ चाइना सी के अंदर फिलिपीन को उकसा रहा है, वो मलेशिया को उकसा रहा है, वो इवन के ताइवान को उकसा रहा है, वो साउथ कोरिया को उकसा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया को उधर से लेकर आ रहा है, वो उसके अलावा जापान को कह रहा है मैं तुम्हें दूंगा, यानी खुद नहीं आगे आ रहा है। आओ 10-15 लोग मिलकर करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर वो आ गया क्योंकि उसको पता था वो कमजोर है, लेकिन उन्होंने फिर भी वहां पर शिकस्त दे दी। यहां का मामला तो बड़ा डिफरेंट हो गया है, यही वो वजह डायरेक्टली वो आता नहीं। अब वो परेशान है, अब उसकी ताकत है, लेकिन वहां पर उस उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि भाई आपने जंग करनी है और आप इनको जवाब दें। अब यहां पर अगर जवाब देता है तो रूस तो तितर बितर कर देगा, वो काम ये करेगा उड़ा कर रख देगा। ऑलरेडी अमेरिका लॉस कर रहा है बहुत ज्यादा यूक्रेन की जंग के अंदर, तेल की कीमतें आप देखिए, गैप बाइडन उसे मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि भाई तेल की कीमतें कम, वो कहता मैं नहीं करूंगा। आप बताएं अमेरिका की क्या औकात रहेगी, कभी अमेरिका का एक छोटा सा, ये तो बाजवा टाइप जो लोग है वो गुलाम थे, वो एक डोनाल्ड लू ने आकर कहा, असल में अमेरिका इमरान खान का तख्ता उलटना चाहता था, बाजवा ने ग्रीन सिग्नल दिया, वो एक डिप्लोमेट ने कहानी दी, वरना सूरत हाल तो ये पैदा हो गई है। डिप्लोमेट तो छोड़िए, अमरीकी प्रेसिडेंट भी चाहे तो अब किसी का तख्ता नहीं उलट सकता, वो डे बाई डे कमजोर होता जा रहा है, इतना अमरीका कमजोर हो गया कि अब वो लेवल नहीं रहा। वरना आप बताइए कि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हो सकती थी, तो इस सूरत हाल में दोनों जंग के दहाने पर है, और किसी भी एक इवेंट के अंदर ये छिड़ी जंग तो ये बड़े पैमाने पर होगी। अमेरिका पहली दफा डर रहा है क्योंकि उसने देखा कि रूस ने अपनी कश्तियां जला दी हैं, उसे पहले मिसाइल डिप्लॉय करके रखे हुए हैं, वो तो पागल हो गया, हमारे ऊपर झड़ दौड़ने को तैयार है, और अमेरिका पहली दफा परेशान है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।